माय बीबी का है, माय साली के घरवाली, किसी का बताएगा कि बंदा चोरा के तो नहीं किसी के लेके आ गया है? कस्टमर जा रहा जाने तो ये बैटरी कनेक्शन हटाना है, दोनों पॉइंट दबा के डाटा केबल लगाना है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है, किसी भी कंपनी का आता है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, एमआई, कोई भी कंपनी का फ़ोन आता है, अब उसको कहता है कि भैया इसमें लॉक लग गया है। कौन सा लॉक लग गया? एक तो पासवर्ड हो गया उसका, जो भी पासवर्ड लॉक लगता है, और या FRP लॉक हो गया, या MI अकाउंट लॉक हो गया। अब ये लॉक के लिए आपके पास कस्टमर ले आया फ़ोन, तो आपको ये पहले तो ये देखना है कि यार कि बंदा चोरा के तो नहीं किसी के लेके आ गया है। तो उससे आप क्या कहोगे, भैया आधार कार्ड एक लगेगा, ओके, उसका आधार कार्ड ले लीजिए जो बंदा लॉक खुलवाने आया है, और उसमें उसका नंबर लिख लीजिएगा, ओके। अगर चोरी का होगा तो कहते चोर के पाँव हल्के होते हैं, तो उसका दिल की धड़कन है पहले, भैया अभी कुछ देर में आते हैं, ठीक है, भाग जाएगा। और जिसका ओरिजिनल में कोई पासवर्ड वगैरह भूल गया है, तो वो आपसे क्या क्या कहेगा, भैया हम आधार कार्ड दे रहे हैं, हमारा ही फ़ोन है, माय बीबी का है, माय साली की घरवाली, किसी का बताएगा, आधार कार्ड हम दे रहे हैं। अब आधार कार्ड आप उसे लेना बिल्कुल ना भूलें, आधार कार्ड लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ओके। जैसे मान लो अभी हम लोग इसका देखेंगे MI5A का जो है, किस तरीके से इसको अनलॉक करते हैं प्रोसेस बाई प्रोसेस। तो मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना कि चोरी के फ़ोन के जो है पासवर्ड आपको नहीं खोलने हैं, ओके, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप लोग एक दिन में। तो क्या है कि जब भी FRP लॉक या MI अकाउंट लॉक या पासवर्ड लॉक के लिए कोई बंदा आए, तो उससे डायरेक्टली बात करिए कि भैया आधार कार्ड एक लगेगा। वो कह रहा भैया नहीं है, तो आप आगे लालच में, भैया पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कर देंगे हम, कितना, हम 2000 लेंगे, महंगा फ़ोन है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी, आप डायरेक्टली उसको रिटर्न कर सकते हो। कस्टमर जा रहा जाने तो ये मत सोचो, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको कितनी क्रिएट करेगा ये आप नहीं समझते हैं, ओके। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चोरी के फ़ोन का नहीं करना, आधार कार्ड उससे मस्ट है, एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, उस पर नाम नंबर डेट वगैरह लिखते जाइएगा, एक फाइल बना लीजिए, जितने बंदे अनलॉकिंग कराते जाएँ वहाँ पे आपका आधार कार्ड ले लीजिए, उसका मोबाइल का मोबाइल नंबर ले लीजिए, मॉडल आपने कौन सा अनलॉक किया था, कौन सी डेट को किया था, ये पूरा का पूरा आप एक उसी आधार कार्ड पे नीचे जो जगह होती है कॉपी 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 लेना है उस पे आप लिख के एक फाइल में आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जुनून बंदा आप काम कर रहे हैं जुनून वाला, ओके। चलिए हम लोग इसका सीखेंगे अनलॉकिंग करना, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये MI का फ़ोन है, ओके। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पहले समझते हैं। जैसे हमने इसको नेक्स्ट किया, इसने कहा भैया लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज दे दिया इसको इंडिया। हम लोग यहाँ पे क्या नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाते हैं, कहता वाईफाई स्किप स्किप कर दिया, ओके। फिर नेक्स्ट स्किप सिम कार्ड, इंसर्ट नेक्स्ट किया, आई एक्सेप्ट मोर जस्ट ए सेकेंड, कह रहा पासवर्ड में पासवर्ड लगाना ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आए, अब कह रहा भैया चालू होने के लिए, हमने जैसे इसको नेक्स्ट किया, ये फिर से वहीं पे आ जाता है जी, ओके। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और ये क्या कहा, सेटअप फ़ोन नॉट साइनिंग, और ये फिर वहीं पे आ गया। मतलब प्रॉब्लम जहाँ पे था ये और पूरा करवाया इसने, फिर वहीं पे आ गया, मैंने कि फ़ोन लॉग इन नहीं होने दे रहा है। मतलब क्या है कि FRP लॉक की इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, FRP के बाद पता चलेगा इसके अंदर MI अकाउंट की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम देखिए एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है जी, ओके। अब हम लोग जो है अपने यूमटी डोंगल लगाएंगे और इसको जो है फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो अब इसको करंट करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका EDL पॉइंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? EDL पॉइंट। तो गूगल क्रोम पे जाएंगे जैसे कि आप, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये MI5A है, तो MI5A आगे लिखेंगे EDL पॉइंट। जैसे हमने सर्च किया, सर्च होके आ गया EDL पॉइंट, देखिए ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को अगर हम सर्च देखेंगे यहाँ पे, दोनों को सिमटी से सॉर्ट कराएंगे, यानी कि अब मदरबोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट दिए गए हैं, ये मैच कर रहे हैं बोर्ड पे सीधा, ये वाले मैच कर रहे हैं ना जी, यही वाले पॉइंट। तो हमको क्या करना है, मोबाइल को ऑफ करना है, बैटरी कनेक्शन हटाना है, दोनों पॉइंट दबा के डाटा केबल लगाना है EDL पॉइंट के जैसे। तो हम क्या करते हैं अभी, डायरेक्ट ऑफ तो करेंगे ना, डायरेक्ट बैटरी निकाल दे रहे हैं, ओके। तो बैटरी कनेक्शन ये हट गया, ओके, चार्जर हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे, ऑफ है मोबाइल इस कंडीशन पे, अब हम इसको ऐसे रखेंगे और डिवाइस मैनेजर में चेक करेंगे, कहाँ पे, डिवाइस मैनेजर पे, यानी कि ये टूल तो हमारा ऑलरेडी UMT का QC फायर खोला ही है, दिस PC मैनेज डिवाइस मैनेजर, और यहाँ पर हमारा पोर्ट बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, पोर्ट बनना चाहिए। तो अब एक काम करिएगा, ये दोनों पॉइंट को आप शॉर्ट कराइए, टच कराइए इसको, दोनों पॉइंट
इधर कर लीजिए थोड़ा, हाँ बस दोनों पॉइंट को टच कराएंगे और तुरंत फ़ोन कनेक्ट होगा। आ गया, छोड़ दीजिए, ये टूल आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, टूल्स एंड FRP पे जाएंगे, रीड एंड टूल्स पे, और इसके बाद हम रीसेट FRP पे क्लिक करेंगे। फ़ोन भी हमारा कनेक्टेड है, यस। अब देखते हैं कि रीडिंग चल रही है, क्या बता रहा, हो पाता कि नहीं। पोर्ट उसने ले लिया है, ओके, लोडर एग्जीक्यूटिंग, ओके डन। अभी डिटेक्टिव चिप टाइप करेगा और हमें, हाँ ये आ गया। ये क्या लग क्या गया नीचे, रीसेटिंग FRP लॉक डन, आ गया कि नहीं आया, ओके फिनिश हो गया और पोर्ट भी आपका हट गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जैक निकालते हैं और इसको देखते हैं कि वही प्रॉब्लम एग्जैक्ट है कि नहीं है। मॉडल नंबर तो दिया नहीं, मॉडल नंबर देखिए यहाँ पे 5 कहीं दिया है, जैसे कि यहाँ सर नहीं, वहाँ कोई ये 5 है दिया तो है जी, यहाँ तो दिया सर, वहाँ में तो मॉडल नंबर नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ कुछ नहीं करना है, बस क्वालकॉम का फ़ोन है, बस मॉडल नंबर तेल बेचने जाए, कोई टेंशन नहीं है अपने को, बस इतनी इज्जत देना है, मॉडल नंबर को इज्जत नहीं देना है। चाइनीज़ कैटेगरी में आता है, CPU है इसका, थोड़ा टाइम लगेगा इसको खुलने में, ओके तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है, तब तक आप केबल भी लगा देते हैं, तो बैटरी लो है, प्रोसेसर CPU को क्वालकॉम CPU, हाँ उसको कनेक्ट करने के लिए। ये आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट, स्किप, ये सारे एप्लीकेशन लोड हो रहे हैं, पासवर्ड में चाहिए नहीं, ओके नेक्स्ट। अब वही स्क्रीन आ गई कि नहीं आ गई, चलिए हम ओके नेक्स्ट, और ये थोड़ा टाइम लगेगा, लोड हो रहा है, हो गया। इसके अंदर MI अकाउंट नहीं लगा, तो एग्जैक्ट में आप लोगों ने देखा कि कैसे इसका FRP लॉक हटाया गया। प्रोसेस हमने समझा कि कैसे जो है क्वालकॉम CPU वाले जो हैं वो फ़ोन होते हैं उन्हें कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्ट भी किया, प्रॉब्लम भी देखा और प्रॉब्लम को हम लोगों ने सही भी किया। समझ में आ गई बात नहीं आई सर, ठीक ओके।